तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे मसूड़ों में एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों में सोजस हो जाती है, मसूड़ों से खून आता है, तो उसका क्या एक तरह से घरेलू इलाज हो, ठीक है, उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। तो मसूड़ों में कई तरह से इन्फेक्शन होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जिनकी मदद से आप एक तरह से इस जो तरह की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, मसूड़ों में सड़न हो रही है, मुंह में बदबू आ रही है, तो उस इन्फेक्शन से एक तरह से रिलीफ पाने के लिए आपको कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई सबसे पहली चीज, लोकेशन चेंज हो गई है, थोड़ा सा मुझे काम आ गया था। काम क्या आ गया था, पेशेंट आ गया था भाई, तो लोकेशन थोड़ा सा चेंज करनी पड़ी हमें, तो हम आ गए हैं गाड़ी में, तो मैंने सोचा यहीं पे वीडियो शूट की जाए। तो भाई साहब सिस्टम ऐसा है, तो अभी जो आप सबसे पहली चीज़ करें, सबसे पहले अगर आपको बैड ओरल हैबिट्स हैं, ठीक है, गुटखा पान तंबाकू वगैरह, तो आप उसको छोड़ें, ठीक है, ठीक है। अगर आप एकदम नहीं कम कर सकते तो आप धीरे धीरे करके कम करें। फिर अब आप डायरेक्ट आते हैं हम घरेलू नुस्खों पे, ठीक है। घरेलू नुस्खों में सबसे पहले जो है वो है कि आप सबसे पहले क्या करें, नीम की पत्तियां होती हैं सबके घर के आसपास, नीम की पत्तियां होती हैं, नीम की दातुन भी करते हैं जो गांव में, तो नीम की पत्तियां लें, उनको उबाल लें अच्छे से, ठीक है। उबालने के बाद वो काढ़ा जो है उसको आप एज अ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसको साफ सफाई करने के बाद पीस लें पूरे उसको अच्छे से, क्या नाम उसका, जो नीम की पत्तियां हैं उसको अच्छे से कूट के एक तरह से पेस्ट उसका बन जाएगा। उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करके एक तरह से पेस्ट बना के और अपने पूरे मसूड़ों पे मसाज करनी है, ठीक है। जेंटली आपको पूरे एरिया में मसाज करनी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं नीम की, तो आप उसको लगा के आपको थोड़ी देर छोड़ देना है, ठीक है, एक मिनट या दो मिनट आपको छोड़ देना मसूड़ों के ऊपर मसाज करने के बाद। तो आप ये 3 या 4 दिन करें, आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक तरह से रिस्पॉन्स, इसका अच्छा अफेक्ट आपको मिलेगा, आपके मसूड़ों में जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम होगा, इन्फ्लामेशन कम होगी, रेडनेस कम होगी, ब्लीडिंग की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ब्लीडिंग भी आपकी कम हो जाएगी उसी एरिया में, दांतों में, ठीक है। सेकेंड, अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे की, तो आप उसमें क्या करें, जो घरेलू नुस्खा है वो सबके घर में हल्दी होती है, ठीक है, हल्दी लें आप, उसमें थोड़ा सा एक तरह से नारियल का तेल मिक्स करें, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर लें। हल्दी में एक तरह से आपको पता है अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो काफ़ी कारीगर है, आपको जो इन्फेक्शन है वो कम होगा मसूड़ों का, उसको भी आपको पेस्ट बना के लगाना है, ठीक है। थर्ड आप चीज़ क्या करें कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अब जैसे आपकी कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है दांतों में से, स्टेनिंग कैलकुलस या प्लाक है, तो आप घरेलू नुस्खों की तरफ ध्यान तो दें, बट साथ साथ आपको स्केलिंग भी करानी पड़ेगी, मतलब दांतों की सफाई भी करानी पड़ेगी, और उसके बाद आपका जो डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जो भी मेडिसिन वगैरह है, या फिर अगर कंडीशन वर्स्ट है, सीवियर है, तो आपकी डीप स्केलिंग होगी तो उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो आपको माउथ वॉश के साथ साथ मेडिसिन आपको देंगे, और जो भी आपकी एक तरह से फरेज बोला जाएगा आपको वो आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगला घरेलू नुस्खा जो है, आपको क्या करना है, सेकेंड मैंने आपको बता दिया, तो अब नेक्स्ट आप क्या करें, देखो रात को सोने से पहले ब्रश आपको जरूर करके सोना है, ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको फ्लॉसिंग जरूर करनी है, फ्लॉसिंग इन द सेंस, जिन लोगों को नहीं पता वो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं फ्लॉसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फ्लॉसिंग का मेन कारण यही है, करने का कारण
कि मतलब हम करते क्यों फ्लोसिंग, क्योंकि कुछ जगह पे ब्रश नहीं पहुंच पाता जहाँ से खाना, हमें एक तरह से सफाई करनी है खाना की, खाने की, तो उस जगह पे हम फ्लोसिंग करते हैं, ठीक है, उस जगह पे हमें फ्लोसिंग करनी पड़ती है जिस जगह पे मतलब एक तरह से ब्रश नहीं पहुंच पाता, तो वही है फ्लोसिंग। आपको बताएं कि एक सेकंड, जो हमारे दांत का जो एक तरह से मेसियली और डिस्टली मतलब प्रॉक्सिमल एरिया है, उस जगह पे हम एक तरह से वो एक तरह से फ्लोस को हम करते हैं, ठीक है, उससे भी जो जहाँ पे एक तरह से ब्रश नहीं पहुँच पाता वहाँ से एक तरह से निकल जाता है खाना, ठीक है। हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है तो घबराए ना, तो वो एक तरह से ख़राब या इन्फेक्शियस एक तरह से ब्लड होता है, वो निकल जाए तो बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब बात आई स्टेन या कैलकुलस या प्लाक आपको डिपॉजिट है आपके दांतों में, तो आप क्या करें उस केस में, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, और कैलकुलस प्लाक का एक ही ट्रीटमेंट है, दांतों की सफाई, सफाई या स्केलिंग जिसको बोलते हैं, वो आप कराएं, माउथ वॉश लें अपना डेंटिस्ट के पास से, और अपना हष्ट पुष्ट रहे, अपना दांतों की सफाई कराएं, ठीक है। तो यही एक तरह से घरेलू नुस्खे थे, कुछ ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी या कोई अलग साइंस नहीं है, ठीक है, मेन घरेलू नुस्खे ही। बाकी जो एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, नुस्खा जो होता है देसी घी सबके घर में होता है, थोड़ा सा देसी घी हथेली पे लें, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला लें, ठीक है, और उसको एक तरह से पेस्ट बना के आप अपने मसूड़ों के ऊपर मसाज कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा कारीगर है, ठीक है। हमें मेन एक तरह से इन्फेक्शन रेट कम करना है, अगर इन्फेक्शन रेट कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी और जो आपका मसूड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।